शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। आरपीएफ का कार्यक्षेत्र काफी बड़ा है। आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए और कम समय में ज्यादा काम करने के लिए आरपीएफ में जुलाई तक 7 चारपहिया वाहन आने वाले हैं, जिससे काफी हद तक बढ़ते आपराधिक घटनाओं में अंकुश लगाया जा सकता है। रेलवे में वर्तमान के परिपेक्ष तथा यात्रियों के साथ होने वाली समस्याओं को दूर करने हेतु समय समय पर महानिदेशक द्वारा दिशा निर्देश जारी किया जाता है, जिसके अनुसार रेलवे सुरक्षा बल के बल सदस्य यात्रियों की यात्रा को सुरक्षित बनाने में अहम भूमिका बनाते हैं। रेलवे सुरक्षा बल के बल सदस्यों ने कई बार अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रियों की जान बचाई है, जिस संबंध में यात्रियों द्वारा बल की भूरी भूरी प्रशंसा भी होती रहती है। समय समय पर रेलवे में होने वाला शराब गांजा की तस्करी के दौरान भारी मात्रा में रिकवरी कर उक्त अवैध की तस्करी रोकने में सफलता हासिल की है। इसके अलावा रेलवे यात्रियों के सामान की चोरी करने वाले असामाजिक तत्वों को भी भारी संख्या में गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु रेल शासकीय पुलिस को सुपुर्द किया गया है। कई बार ऐसे देखने में आया कि आरपीएफ का जो दायरा है वो काफी बड़ा है, जिसके चलते हर जगह पर हुई घटना पर दस्तक देना आरपीएफ के लिए एक टेढ़ी खीर साबित हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ अपराधियों की खोजबीन करने के लिए या किसी की जांच करने के लिए अक्सर आरपीएफ के पुलिस दुपहिया वाहन पे ही जाकर अपना कामकाज करते हैं, जिसमें काफी लेट लतीफी होती रहती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आरपीएफ के पास शुरू के दौर में 6 ऐसी फोर व्हीलर वाहन थे जिसका कामकाज सुचारू ढंग से हो रहा है, लेकिन किसी वाहन को 4 साल तो किसी को 7 साल होने से अब कुछ नए वाहन किराए पर लाकर जिसको चलाने के लिए आरपीएफ की तरफ से पहल हो रही है। जी हाँ, जुलाई माह के अंत तक कुल मिलाकर 7 ऐसे फोर व्हीलर वाहन आरपीएफ में आने वाले हैं, जिसके चलते इन्हीं वाहनों में सवार होकर आरपीएफ के पुलिस जवान कई हद तक अपराधियों के कामकाज पर अंकुश लगाते हुए नजर आएंगे, जिससे समय भी बचेगा और आरपीएफ के जवानों द्वारा इन्हीं वाहनों में गश्त लगाते हुए कई ऐसे आपराधिक लोगों को गिरफ्तार करने के लिए भी आने वाले 7 वाहन काफी फायदेमंद साबित होंगे। इस बारे में मंडल रेल आयुक्त आशुतोष पांडे इन्होंने इनबीसीएन समक्ष जानकारी दी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रेलवे सुरक्षा बल नागपुर डिवीजन है, नागपुर मंडल, उसमें अभी हमारे पास 6 चार पहिया की गाड़ियाँ हैं और हमारे पास मिनी ट्रक और बाकी वाहन भी उपलब्ध हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि नागपुर डिवीज़न का जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी बड़ा होता है और हमारे पास मुंबई रूट की और नॉर्थ साउथ की काफ़ी ट्रेनें हैं, जिसके सुरक्षा के लिए और हमें आरोपियों की धरपकड़ के लिए ये ज़रूरी है कि सभी थानों पे 4 पहिया वाहन हो। ये तकरीबन 1-1.5 साल पहले फैसला लिया गया था रेलवे बोर्ड से कि हर थाने पे 1 4 पहिया गाड़ी होनी चाहिए और उसी के एवज में हम जल्द ही जुलाई तक 4 पहिए वाहन सभी थानों को उपलब्ध कराएंगे। हमारे पास इस समय 6 चार पहिया वाहन और एक मिनी ट्रक है, एक बस भी है। इसके अलावा हमें सभी थानों पर देने के लिए हम अगले महीने तक 7 गाड़ियों का और हायरिंग पे ले रहे हैं, जिससे हर थाने पे और हमारे जो क्राइम और इंटेलिजेंस यूनिट्स रहती हैं उनके पास गाड़ियां उपलब्ध रहें। वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त आशुतोष पांडे साहब से जब हमने बात किया तो उन्होंने ये कहा कि आपराधिक ग्राफ जो बड़ा है और उसकी रोकथाम करने के लिए कार्य क्षेत्र को ध्यान में यदि रखा जाए तो आरपीएफ का जो डिवीजन है बहुत बड़ा है और जिसके चलते इन तमाम घटनाओं पर ध्यान रखना काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे में 2 व्हीलर से काम नहीं होगा तो 4 व्हीलर से काम किया जा सकता है, जिसके चलते 4 व्हीलर पहले भी थे लेकिन काफ़ी कम संख्या में थे। अब की बार जुलाई माह तक 7 और 4 व्हीलर आने की उन्होंने बात कही है, जिसके चलते उनकी पैनी नज़र हर उस अपराध जगत पे होंगी जो आए दिन कामकाज कर रहे हैं और 4 व्हीलर आने से काफ़ी हद तक आरपीएफ के जवानों को एक राहत की सांस मिल सकती है, क्योंकि कामकाज करने में आरपीएफ के जवान देश में सबसे पहले नंबर पे आते जो है। कैमरा पर्सन सुभाष भुटले के साथ संजय मीरे, इन बीसीएन न्यूज़ नागपुर।